तो दोस्तों आज हम अनबॉक्स करेंगे बेन्यू का पोर्टेबल ब्लोवर। तो दोस्तों इसका मॉडल है BY7001। तो दोस्तों अभी हम आपको इसका डब्बा ओपन करके दिखाएंगे और इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग पावर बेन्यू का ये है और इसका मॉडल यहां पर दिया हुआ है ब्लोवर और किस तरह काम कर सकता है और आप इसको किस तरह यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी हम डब्बे को ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी और ये किस तरह आप इसको यूज में ले सकते हैं। तो दोस्तों डब्बा खोलते ही हमको सबसे पहले यहाँ पर दिखने को मिलता है ये ईयर ब्लोवर का, मतलब जो जिस पे हम ईयर फ्लो से मतलब मारेंगे हवा के लिए, और एक मिलेगा ईयर डस्ट जिसको हम मतलब वैक्यूम क्लीनर भी बनाकर उसकी डस्ट जो से हम वैक्यूम क्लीनर से खींचते हैं, इस तरह हम इसकी वैक्यूम खींच सकते हैं कार वगैरह से या फिर सोफ़े वगैरह से जो डस्ट होती है उसको यहाँ से हम खींच सकते हैं। तो दोस्तों इससे पहले एक इसका यूज़र मैनुअल है, इसके साथ हमको मिलते हैं कार्बन। अगर आपके इस इसके मतलब ब्लोवर के कार्बन ख़त्म हो जाते हैं तो एक सेट मतलब कार्बन आपको साथ मिलता है और इसको आप चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम इसके ब्लोवर को निकाल के देखते हैं। तो देखने में दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही काफ़ी शानदार है और देखने में प्रीमियम भी, और इसका वायर भी काफ़ी अच्छा है, 2 मीटर का वायर है और 600 वाट का ये ब्लोवर है आपका। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ एक साइड से खींचेगा और दूसरी साइड से फेंकेगा। तो दोस्तों ये होल्डर जो मैं लगा रहा हूँ यहाँ से ये एयर फेंकेगा और इधर से ये खींचेगा, आप इसको दोनों तरफ लगा सकते हैं। अगर आपको कहीं से डस्ट खींचना है और आप इसके सामने ईयर बैग लगा डस्ट बैग लगा दीजिए और मतलब उसको आप साफ़ कर सकते हैं, जैसे कार में आप कहीं साफ़ नहीं कर सकते तो वहाँ से यूज में लेकर उसको साफ़ कर सकते हैं सीट वगैरह को, या फिर पैरदान जो होते हैं वहाँ पर आप डस्ट वगैरह होती है तो इससे आप उसको खींच सकते हैं और वो इस डस्ट बैग में भर जाएगी। भरने के बाद इसमें चेन लगी हुई है, उस चेन से आप उस डस्ट को खाली कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार है, बनावट भी अच्छी है और इसके हैंडल में ही इसका स्विच है। यहाँ पर इसके मॉडल नंबर वगैरह दिए हैं और इसके मतलब डिटेल दी हुई है कितने वाट का है और इसका मॉडल और इसकी डिटेल के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देख दोस्तों मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी शानदार लगा। आप इसके होल्डर को दोनों तरफ चेंज कर सकते हैं, मतलब ईयर वाले को डस्ट बैग को नहीं लगा सकते, ईयर वाले को दोनों तरफ आप लगा सकते हैं। इस तरह ये खुल जाता है और आप इसको जैसे होल्डर होता है उसी तरह ये हम बल्ब लगाते हैं उसी तरह इसमें नक्के होते हैं, उसी तरह से हम ये लग जाता है जिस तरह हम बल्ब को लगाते हैं होल्डर में, इसी तरह इसमें नक्के होते हैं ना, इसको ऐसे घुमाना होता है इस तरह ये लग जाएगा। तो दोस्तों ये काफ़ी शानदार है, अगर आपको ये परचेज करना है तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और आप बताएँ कमेंट करके आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपकी जो भी राय होगी हम उस जवाब का आपको बताएंगे, आपको कहां से कैसे परचेज करना है और इसकी क्वालिटी के बारे में। तो दोस्तों मुझे ये काफ़ी शानदार लगा, आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।